अभी हम खड़े हैं सावा ग्राम पंचायत के अंदर। वर्तमान में यह सरपंच है ममता श्याग, और अभी हम दो सरपंचों से मिल चुके हैं जो मैदान में हैं, जो ग्राम पंचायत सावा का विकास करने को आतुर है। और हम चाहेंगे कि इस टाइम हमारे साथ ममता श्याग जो वर्तमान में सरपंच है, उन्हीं के परिवार से संजय श्याग जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि पिछले कार्यकाल में आपने कितना विकास कराया और आगे क्या रणनीति रहेगी। संजय जी, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि है और सरपंच प्रतिनिधि है और समाज सेवी भी है। कोरोना काल में आपकी समाज सेवा सतर्कता जो देखी, उसके बाद हमें जो दिखाई दिया, वही जानने के लिए हम आपसे मिलने आए हैं कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में आपकी प्राथमिकता में क्या रहेगा? पहले तो मैं जागो हुकुमरान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ग्राम पंचायत सावा में आके सावा के गरीब तबके की आवाज़ उठाने की कोशिश की। और रही बात आपने जिस विषय पे हमें बोलने का अवसर दिया है उस पे बात करूं, तो सावा ग्राम पंचायत एक बड़ी पंचायत है। यहाँ पर सभी जाति के लोग हैं, 36 की 36 कौम यहाँ पे विराजमान है, और सभी का आपस में भाईचारा प्रेम है। सावा ग्राम पंचायत का चुनाव हमेशा प्रेम पूर्वक लड़ा गया है, और सभी प्रतिनिधियों और सभी लड़ने वालों से मैं यही अपील करूँगा कि अपन गरीब की हित में लड़ाई लड़ते हुए चुनाव को संपन्न करें। और रही बात विकास के कार्यों की, तो विकास कार्यों में हमारे कार्यकाल में हमने पानी निकासी जैसे बड़े मुद्दे थे, 6-7 वार्डों के अंदर यहाँ पे बरसात के टाइम में पानी इकट्ठा हो जाता था, लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती थी, बहुत से लोग वहाँ से घरों को पलायन करके बाहर भी चले गए उन वार्डों से। और जहाँ पे पानी निकासी का पॉइंट था वो था वार्ड नंबर 19, यानी वहाँ पे छः वार्डों का एक मतलब जो जल स्तर वहाँ पे इस तरह इकट्ठा हो जाता था कि आसपास के लोग उनसे प्रभावित होते थे। पूर्व में ग्राम पंचायत के पास ऐसे कोई संसाधन नहीं थे जिनसे कि वो पानी निकासी जल्दी कर सके, और ग्राम पंचायत सावा का हर चुनाव के अंदर पानी निकासी का मुद्दा गूंजता रहता था। यहाँ पर विधायक जी, एमपी साहब, सभी एमपी साहब ने भी पहले ग्राम पंचायत सावा को निकासी के लिए अपने कोटे से जो पाइपलाइन दी थी, वो पूर्व सरपंच थे ख्याली राम जी नैन, उनके कार्यकाल के अंदर उस पाइपलाइन के द्वारा पानी को गौशाला तक जोड़ा गया था, और वो पर्याप्त नहीं थी, वो व्यवस्था थी पानी निकालने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कतें आती थी। हम देखते थे कि गांव के अंदर बरसात हो गई और वार्ड नंबर 19 के अंदर जहाँ से हम जनरेटर सेटों से पानी चकते थे, वहाँ पे कचरा वगैरह इतना इकट्ठा हो जाता था कि आए दिन जनरेटर सेट खराब हो जाते थे, पानी 10-10, 15-15 दिन के बाद यहाँ से बाहर उठाया जाता, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस विषय को लेके मैं माननीय हमारे विधायक नरेंद्र जी बुरानिया साहब से मिला और इस विषय पे अवगत करवाया, उन्होंने हमारी मदद करके गांव की पानी निकासी के विषय पे गांव का पूर्ण सहयोग किया, और उन्होंने भी चुनाव विधायक का चुनाव जीतने से पहले गाँव वालों से वादा किया था, और हमने भी वादा किया था गाँव वालों से कि हम ग्राम पंचायत सावा से पानी की निकासी करवा देंगे। जो हमारा काम 99% तो पूरा हो गया, 0.1% के अंदर वहाँ पे कुछ थोड़ी होद वगैरह बननी है, यानी पीछे अभी भी कुछ दिन पहले 15-10 दिन पहले इतनी भयंकर बरसात हुई थी, यदि हमारी वो व्यवस्था नहीं की हुई होती तो प्रशासन को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। पीछे भी बरसात हुई है, पीछे पानी निकासी की व्यवस्था नहीं थी, तब तारानगर SDM साहब, तारानगर तहसीलदार महोदय और तारानगर हमारे पटवारी जी, ग्राम सेवक जी या गांव वाले या गांव के कुछ
सामाजिक समूह के लोग साथ में मिलके हम पानी निकासी की व्यवस्था करते थे, उसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी हमारे, और उन सभी दिक्कतों से छुटकारा माननीय हमारे विधायक जी और गांव वाले और हमने मिलके उसका निदान किया। वो पानी आज वहाँ पे जो पानी 15-15 दिन तक गलियों के अंदर पड़ा रहता था, बीमारियाँ पैदा होती थी, कितने ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ के किसान उस रास्ते से अपने खेतों में नहीं जा सकते थे। आज उस जगह की स्थिति ये है कि या 20 या 30 अंगुल जितनी भी बरसात हो जाए, पिछले 15 दिनों के अंदर काफ़ी बरसात हुई, लेकिन वहाँ पे आधी घंटा के अंदर अंदर पूरा पानी गांव से बाहर निकास हो जाता है और पानी का सदुपयोग भी हो रहा है। सावा ग्राम पंचायत के अंदर एक बड़ी समस्या है अतिक्रमण को लेकर के। यहाँ के जो गरीब तबके के लोग थे, ये कस्बा बनने के बाद वो बाहर सरकना शुरू हो गए और जोड़ पायतन अन्य दिशाओं में उन्होंने कब्जा कर लिया, घर भी बना लिए, लेकिन इस कंडीशन में अतिक्रमण करने वालों को उठाया जा रहा था, हटाया जा रहा था प्रशासन के द्वारा। अभी जो कोर्ट ने फैसला दिया है कि भी पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और उसके बाद में इनको हटाया जाए, इस पर आपकी क्या राय है, क्या करना चाहोगे आप? पहले तो मैं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का आभारी रहूँगा गाँव वालों की तरफ से कि उन्होंने इन गरीबों की आवाज़ सुन के इनके आवासों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए फैसला दिया। और रही बात जोड़ पायतन की और गांव वालों की और आबादी की, जो भी स्थिति थी यहां पर, जो जोड़ पायतन के अंदर लोग बसे हुए थे वो अचानक से आज ही तो बसे नहीं हैं, यहां पे 4 पीढ़ियां हो गई, किसी का दादा परदादा या उससे भी पहले के लोग आके बस गए। वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है कि हमारा दादा किस जगह पे आके बस गया था। और जिस प्रकार भी कोर्ट ने हमें राहत दी, आज उन गरीबों के चेहरे पे खुशी है जो पिछले 5 साल से ये प्रकरण चल रहा है, 5 साल से उन्होंने काफ़ी परेशानियों का सामना किया है, हर वक्त वो भयभीत रहे हैं, उनको अपने आवास के प्रति चिंता बहुत रहती थी, फिर भी हमने गरीब के हित में और अच्छे लोगों के हित में उनके आवास, क्योंकि जो अमीर वर्ग है समाज तीन तबकों में अपना जीवन व्यतीत करता है, उच्च मध्यम और निम्न, हमने निम्न वर्ग वालों को उनके लिए, उनके आवास के लिए उनके साथ देने का वादा किया था। माननीय न्यायालय ने हमारी बात को तौजा दिया है और जो भी आगे माननीय न्यायालय और हमारे विधायक जी, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि एमपी साहब सबसे हम चर्चा करेंगे चुनाव के बाद, और इस विषय पे हम जनता का साथ देंगे, क्योंकि जोड़ पायतन के अंदर ये 3000 वोट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हैं पत्रकार जी, इस प्रकार से हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1850 वोट तो ये जोड़ पायतन के अंदर हैं, और ये वही परिवार हैं जो पहले आबादी के अंदर बसते थे, यानी इनके बुज़ुर्ग थे या इनके परिवार के जो लोग थे जो आबादी के अंदर बस रहे थे। जिस प्रकार की संख्या बढ़ती गई, आबादी विस्तार होता गया, जनसंख्या विस्तार होता गया, तो इन्होंने अपने आवास के लिए, गरीब आदमियों ने यहाँ पे अपने आवास बना लिए, तो इस समस्या का कोर्ट के अंदर चल रहा है। वैसे मैं आपको क्या बताऊँ, और कोर्ट, माननीय कोर्ट का आदेश गाँव वालों के लिए एक खुशी की तरह आया है, और मैं भी ये समझता हूँ कि ये चुनाव के जस्ट नज़दीक आना मैं मेरे को भी भाग्यशाली समझता हूँ कि इन लोगों के साथ साथ मुझे भी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, या जो भी चुनाव का नतीजा जो भी रहना है उसमें हम भयभीत नहीं होते, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले तो बहुत होते हैं पर जनता अपना निर्णय सुनाएगी,
और सच्चाई और अच्छाई के साथ प्रेम से सभी को निर्णय को स्वीकार करना हमारे सावा की पुरानी परंपरा रही है और हम गरीब को गणेश मान के उनकी सेवा करते रहते हैं। हम इस टाइम खड़े हैं सावा ग्राम पंचायत के अंदर, तो सर हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम। मेरा नाम शौकीन है जी। तो शौकीन जी, आप ये बताएं कि वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं ग्राम पंचायत के और सावा के अंदर बहुत बड़ी समस्या है पानी निकासी को लेकर के, आपको क्या लग रहा है कि ये समस्या से निजात कुछ पाया है या आगे पाओगे या ऐसा ही रहेगा? ये सबसे बड़ी बात तो है, जो वार्ड नंबर 19 में एक बहुत बड़ी समस्या थी पानी निकासी की, वो काफ़ी हद तक वर्तमान सरपंच है ममता जी सियाग ने हल कर दी है। और उसके बाद अभी जो तारण नगर नोर रोड है इस पर भी पानी निकासी की समस्या है और वालेरी रोड पर भी पानी निकासी की समस्या है, लेकिन ये पंचायत के स्तर पर नहीं आती। इसमें एमपी साहब और एमएलए साहब भी कुछ कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग कुछ कर सकता है, लेकिन बार बार यार यहाँ सरपंच साहब ने अब की बार कुछ हॉस्पिटल के पास में बोर वगैरह करवा के कुछ हद तक इसको हल किया, लेकिन वर्तमान में सरपंच साहब ममता सियाग जी है जी, तो उनका कार्यकाल जो रहा उससे यहाँ की जनता और आप संतुष्ट है क्या? लेकिन ये ममता जी सियाग के घर पे जो हमारे को इज्जत मिलती है, आओ बैठ मिलती है ना, वैसी आज तक किसी सरपंच के यहाँ नहीं मिली। जैसे हम सभा केंद्र आए, यहाँ से लोगों से पूछा जाना, तो इन्होंने जो जनप्रतिनिधि कहें या सरपंच प्रतिनिधि कहें संजय जी सियाग, उनके बारे में काफ़ी लोगों ने बताया कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा और वो मेहनती बंदे हैं, क्या ये सही है? हाँ जी, काफ़ी हद तक सही है, लेकिन नथु जी सियाग खुद थे, अब वो स्वर्ग सिधार गए हैं, वो दबदबा वो रुतबा इस सियाग परिवार में पूरे कबीले में वो। तो अब आप भविष्य में जैसे यहाँ चुनाव होंगे तो यहाँ पे दोबारा ये ममता सियाग के परिवार से सरपंच बनते हैं, तो जो ये पानी निकासी की समस्या है, अन्य जो समस्या है, उनसे आप उम्मीद करते हो कि सफल होगी? हाँ सर, पानी निकासी की समस्या बड़े स्तर पर जो इनके मतलब ग्राम पंचायत के जो अधीन थी वो इन्होंने कर दी, और आज तक किसी ने नहीं की, जब से सावा आबाद हुआ है तब से ये समस्या यूँ ही थी 19 नंबर वार्ड की, इन्होंने हल कर दी वो तो। लेकिन ये जो बड़ी पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर आता है ना, ये इन सरपंच साहब से होने वाला नहीं है, ये तो विधायक साहब और एमपी साहब ही कर सकते हैं, लेकिन वो सोए हुए हैं, दोनों ही नहीं कर रहे हैं इसको। हमने सुना है कि यहाँ पे जो सरपंच प्रतिनिधि संजय जी सियाग है युवा है, और जो उनके सामने एक समस्या आई थी अतिक्रमण को लेकर के, और उस अतिक्रमण में जो घर फोड़े जा रहे थे, जिनको घर हटाए जा रहे थे, उन पर उन्होंने काफ़ी हद तक काम किया और उन गरीबों के साथ मिलकर लड़े, हाई कोर्ट तक गए, और हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया है कि उनको पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, बाद में अतिक्रमण हटाए जाए। तो ये कहाँ तक सही है कि संजय जी ने गाँव के लोगों को लेके और इस मामले के लिए लड़ाई लड़ी? जी, संजय सियाग जी ने काफ़ी हद तक इसमें मतलब मेहनत तो बहुत की है उसके मतलब है, लेकिन ये समस्या स्थायी रूप से समाधान नहीं होने वाला है, क्यों, ये भारत स्तर की समस्या है जो लोकसभा में कानून बनने के बाद ही हल हो सकती है, और ये कानून बनना, लोकसभा में बनना, राज्यसभा में बनना, और ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये ग्राम स्तर पर हल होने वाली नहीं है। और जोड़ पायतन की जगह मान लो या सवाई चक्की मान लो और गोचर भूमि मान लो, ये बड़े मुद्दे हैं, पंचायत स्तर पर इनका कोई निदान नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है वर्तमान में एक बार स्टे मिल गया तो एक बार के लिए रुक गई है, लेकिन आने वाले भविष्य में कभी न कभी फिर यह समस्या रहेगी। धन्यवाद।